दोस्तों हर दिन हजारों लोग एक्टर बनने की चाहत में मुंबई पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि एक्टर बनने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। 1 या 2% ही होते हैं जिन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है, बाकी यूं ही दर दर भटकते रहते हैं। और जिन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है उन्हें बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। आज बॉलीवुड के इस काले और घिनौने सच से आपका सामना करवाते हैं। बता दें कि कुछ खूबसूरत अभिनेत्रियां ही लंबी पारी खेल पाती हैं और ज्यादातर तो 2 या 4 फिल्मों के बाद अपने घर बैठ जाती हैं। कई बार अभिनेत्रियों को फिल्मों में काम करने के लिए अपनी खूबसूरती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बता दें कि प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर, हर कोई उन्हें एक चीज जरूर ऑफर करता है और वो है हमबिस्तर होने का लालच। कभी कभी बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए इस चीज के लिए हामी भी भरनी पड़ती है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने इस हमबिस्तरी का सामना किया है। पहले नंबर पर बात करते हैं हुमा कुरैशी की। इस लिस्ट में हुमा कुरैशी का नाम टॉप पर है। बता दें कि हुमा को अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक अभिनेत्री की पहचान हासिल हुई। हुमा को केवल उनके जिस्म की वजह से ही बॉलीवुड में लेकर आया गया। नंबर 2, कल्की कोचलिन, जो कि कई बार इस चीज का खुलासा कर चुकी हैं कि हाँ उन्हें हमबिस्तर होने का ऑफर मिला। पहले वो इस चीज से काफी ज्यादा हिचकिचाती थी, मगर उन्होंने फिर सोचा अगर इस तरह के ऑफर मिल रहे हैं तो वो इनका इस्तेमाल क्यों ना करे, और जब उनका नाम बन जाएगा तो फिर उन सबको करारा जवाब देंगी और इन हमबिस्तर वाले सभी कारनामों से वो अलग हो जाएंगी। ऋचा चड्ढा, भोली पंजाबन के नाम से मशहूर ऋचा चड्ढा वैसे तो फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री बनने के लिए आई थी, लेकिन उनका करियर देखकर उनको साइड लाइन ही किया जाता है। खूबसूरती के मामले में कहा जाता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि वो बॉलीवुड में हीरोइन बन सके, मगर उनकी एक्टिंग देखी जाए तो वो काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों बॉलीवुड की इस काली दुनिया के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।